Welcome students, welcome to the open classroom. Dear students, हम fundamentals of English grammar की बात हम कर रहे थे और उसमें कुछ एक हम comparative study करके ही हम study कर रहे हैं. पिछली वीडियो में अगर आपने देखा होगा तो उसमें हमने adjective, adverb और abstract noun में जो confusion होती है उसको दूर करने की हम कोशिश कर रहे थे और थोड़ा सा exercise आप जरूर देख लें क्योंकि एक्सरसाइज सेशन वैसे तो हम अलग से चलाएंगे लेकिन फिर भी थोड़ा आप देख लें. आज हम एडजेक्टिव पर ही काम करेंगे लेकिन टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव जरूरी है क्योंकि किसी ने मुझे पूछा कि क्या ये आर्टिकल्स पार्ट ऑफ स्पीच में नहीं आते. पार्ट ऑफ स्पीच तो नौ होनी चाहिए आर्टिकल, तो मुझे लगा कि टाइप्स पर जाना जरूरी है. मैं आपको बता दूं कि आर्टिकल भी एडजेक्टिव है इसलिए उसको हम एडजेक्टिव में ही लेते हैं और उसका एक अलग से भी हम उसमें सेशन ले लेते हैं. तो टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव में अगर हम देखें कि एडजेक्टिव में क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर या न्यूमरल एडजेक्टिव एंड डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव. अब ब्रॉडली देखें तो हम इसको पांच तरह से इसको बांटते हैं. इस पर थोड़ा एक्सरसाइज कर लेते हैं, पता चले कि है क्या ये. देखें एडजेक्टिव के टाइप्स पर अगर हम जाते हैं, इसमें लिखा है क्लेवर गर्ल. फर्स्ट सेंटेंस में अगर देखें, क्लेवर गर्ल, लार्ज सिटी. मैं कहा हमें सेंटेंस में ही देखना पड़ेगा. यहां सीता इज अ क्लेवर गर्ल, व्हाट काइंड ऑफ, यानी किस तरह की लड़की, क्लेवर. यहां देखें कोलकाता इज अ लार्ज सिटी, व्हाट काइंड ऑफ सिटी, लार्ज सिटी. व्हाट काइंड ऑफ, इसका आंसर जब वो एडजेक्टिव हम देखते हैं तो वो क्वालिटी का एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होता है. यहां क्वालिटीज को बताया जाता है, क्लेवर गर्ल, लार्ज सिटी, ब्रेव बॉय, ऐसे जो भी इस तरह के आते हैं वो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटीज में ही उनको हम कैटेगराइज करते हैं. पर बच्चों बहुत सिंपल है इसलिए इसमें ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है. आप क्वालिटीज को जब जानते हैं तो उसमें कोई निश्चित नहीं होगा, लेकिन एक चीज हमें याद रखें, इट आंसर्स द क्वेश्चन व्हाट काइंड ऑफ. इस क्वेश्चन का आंसर मिलेगा आपको इसमें. और वैसे ही सेकंड टाइप में देखें जो इसमें दिखाया जा रहा है, देर इज लिटिल टाइम फॉर प्रेपरेशन. हाउ मच टाइम, लिटिल टाइम. ही लॉस्ट ऑल हिज वेल्थ, हाउ मच वेल्थ, ऑल वेल्थ. He ate some rice. How much rice? Some rice. कितना? कितना? यानी adjective of quantity. यहाँ quantity को बताया जा रहा है. Little, all, some. इस तरह के जो भी आएंगे वो adjective of quantity में आएंगे. तो ये quantity को ही पूछ रहा है. और it answer the question how much? कितना? जब हम how much का answer इसमें देखते हैं तो ये कौन सा होगा? ये कौन सा होगा? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी. सिमिलरली अगले टाइप में हम चले जाते हैं, ही गेव मी फाइव बुक्स. अब यहां ध्यान दें, फाइव नंबर आ रहा है, नंबर. फ्यू कैट्स, फ्यू कुछ. लाइक कोल्ड वाटर, यहां कोल्ड वाटर कोल्ड एडजेक्टिव है लेकिन न्यूमरल नहीं है. कोल्ड वाटर एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होगा, कोल्ड वाटर. यहां फ्यू भी है, कुछ कैट्स, फ्यू. मोस्ट बॉयज लाइक क्रिकेट, हाउ मैनी, मोस्ट बॉयज. ही गेव मी फाइव बुक्स, हाउ मैनी बुक्स, फाइव बुक्स. वन टू थ्री फोर फाइव न्यूमरल है और फ्यू भी, मोस्ट. इस तरह के जो भी एडजेक्टिव आएंगे उनको हम एडजेक्टिव ऑफ नंबर. और ये हाउ मैनी का आंसर है, सिंपली हम इसको हाउ मेनी जब क्वेश्चन करते हैं तो इसका आंसर इसमें हम देखते हैं इसके एडजेक्टिव में. तो हाउ मेनी एडजेक्टिव ऑफ नंबर, हाउ मच एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी और व्हाट काइंड ऑफ एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी. सिमिलरली आगे चलते हैं, देखें संडे इज द फर्स्ट डे ऑफ द वीक, विच वन, फर्स्ट डे, विच वन का आंसर इसमें मिल रहा है. फर्स्ट डे,
फर्स्ट डे सेकंड थर्ड फोर्थ और देखें दोज मैंगोज आर सार विच मैंगोज दोज दैट बॉय इज इंडस्ट्रियस विच बॉय दैट बॉय दिस दैट दीज दोज ये डेमोन्स्ट्रेटिव जब हम किसी चीज को डेमोन्स्ट्रेट करते हैं दिखाते हैं दिस दैट दीज दोज सच I have never seen such a boy. मैंने इस तरह का लड़का देखा ही नहीं सच अ बॉय तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव में इसको हम लेते हैं विच सच और इस तरह से द और ए द ए एन जो क्वेरी थी किसी बच्चे की इसको भी हम देख लेते हैं ध्यान द गर्ल स्टैंडिंग देयर इज माय सिस्टर सिस्टर द गर्ल यू आर इंडिकेटिंग द गर्ल वो जो लड़की खड़ी है वो मेरी बहन है तो द वह द दैट दिस ए एंड इसको भी हम इसी में लेते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में जो बोले थे आर्टिकल्स को हम किस में लेते हैं वो देखें तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव देन कम्स इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव इंटेरोगेटिव इज वेरी इजी आप देखते हैं इसमें क्वेश्चन हूज बुक इज दिस आप डेमोन्स्ट्रेट तो कर रहे हैं उसको दिखा तो रहे हैं बट एट द सेम टाइम यू आर आस्किंग अ क्वेश्चन हूज बुक इज दिस दिस इज अ बुक दिस इज दिस वर्ड ये एक डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है हूज बुक इज दिस इसमें हूज ये इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव है इंटेरोगेटिव वर्ड से शुरू हुआ है विच से हू से विच वे शैल वी गो हम कौन से रास्ते से जाएंगे विच वे इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव अगेन वट मैनर ऑफ मैन ही इज वो किस तरह का आदमी है वट तो हूज विच वट इस तरह से जो वो डेमोन्स्ट्रेटिव होंगे इनको हम दूसरे मूड में भी यूज करते हैं जैसे what a wonderful boy what a lovely scene तो एक्सक्लेमेटरी भी इसको हम यूज कर सकते हैं तो इंटरोगेटरी भी है और एक्सक्लेमेटरी भी है तो इस तरह से नेक्स्ट स्लाइड में आप देखेंगे एक और हम इसमें टाइप देखते हैं सिक्स टाइप्स में ब्रॉडली हमने इसको कैटेगराइज करने की कोशिश की है इसको क्लासिफाई करने की कोशिश की है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव जैसे आप वर्ड से ही पता है डिस्ट्रीब्यूटिव जो बांटता है ईच हर एक में एवरीवन सब में नीदर नॉर इधर इस तरह के जो वर्ड आते हैं आई ट्राइड एवरी प्लान एवरी मेथड मैंने हर एक मेथड जो ईच बॉय मस्ट टेक हिज टर्न नीदर ऑफ दीज टू बुक्स इज माइन इससे आपको पता लग रहा है एवरी ईच नीदर इधर इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं ये हमेशा डिस्ट्रीब्यूटिव ऑब्जेक्टिव में आएंगे तो सिक्स काइंड ऑफ अगर हम ब्रॉडली कहें एडजेक्टिव्स हमारे पास हैं आपने क्वालिटी से लेकर के क्वांटिटी एडजेक्टिव और क्वांटिटी देखा न्यूमरल देखा नंबर्स रिलेटेड इंटरोगेटिव देखा डिस्ट्रीब्यूटिव ये सब जो इनको ज्यादा याद करने की आवश्यकता नहीं है बहुत सिंपली इनको आप कैटेगराइज कर सकते हैं और इंपॉर्टेंट इज इट्स यूज आर्टिकल का यूज कैसे किया जा सकता है वो इंपॉर्टेंट है और इसमें और भी हैं जैसे ईच एवरी नीदर नॉर ये सब कैसे यूज करते हैं इसके लिए हम अलग से सेशन दे रहे हैं बस हम एक ओवरऑल व्यू इसका देख लेते हैं कि किस तरह से हम इसको करेंगे तो नेक्स्ट में थोड़ा आपको और दिया है एक फॉर्मेशन ऑफ एडजेक्टिव्स की हम बात करते हैं हमने पहले पढ़ा कि एडजेक्टिव जो है वो नाउन से भी बनता है नाउन से जो एडजेक्टिव बनता है जैसे बॉय बॉय कॉमन नाउन है आपको याद आ गया होगा बॉय से बॉयश नेचर किसका नेचर बड़ा बॉयश है बच्चे जैसा तो ये एडजेक्टिव जो नाउन से बने ये बहुत लिस्ट है इसको आप देख सकते हैं और इसी तरह से सम एडजेक्टिव्स आर फॉर्म फ्रॉम वर्ब्स कुछ वर्ब्स से बने हैं वर्ब की थ्री फॉर्म आपने पढ़ी होगी
उसे बने, जैसे टायर, टायर्ड, टायर्ड ऐसे बोलते हैं, टायर से टायरलेस, ये बहुत हमें पढ़ा। जैसे टॉक, टॉकेटिव, शी इज वेरी टॉकेटिव गर्ल, बहुत बातूनी बात लड़की है, बातूनी, टॉकेटिव, तो ये टॉक से बना हुआ है। तो एडजेक्टिव से भी बनते हैं, और इस तरह से वर्ब से बने हुए, वर्ब के बाद सम एडजेक्टिव्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम अदर एडजेक्टिव, एक एडजेक्टिव दूसरे एडजेक्टिव से बनना, ब्लैक, ब्लैकिश, व्हाइट, व्हाइटिश, एडजेक्टिव जानता है, ब्लैक, ब्लैक और ब्लैकेस्ट, वैसे ही ब्लैक से जब हम ब्लैकिश बनाते हैं वो भी एडजेक्टिव है। तो एडजेक्टिव्स कहाँ कहाँ से बनते हैं ये इसमें पूरा दिया है, इसको आप ध्यान से देखें, और नेक्स्ट में आप अगले जब हम सेशन में चलेंगे तो उसमें हम बहुत चीजें और भी डिस्कस करने वाले हैं। तो एक चीज और आपने देखनी है कि कुछ एडजेक्टिव हैं हमारे पास, ही इज अ पुअर मैन, जब हम इसमें द लगा देते हैं, द पुअर, तो ये नाउन का काम करता है। कुछ चीजें आपको बहुत क्लियर करनी पड़ेगी, द पुअर में द लगाने से, द पुअर जब बनाते हैं तो कुछ ऐसे भी एडजेक्टिव्स हैं जिनको आप स्टडी कर लें, क्योंकि एक बहुत लंबा काम है ये, कि पुअर में द लगने से चेंज हो गया एडजेक्टिव से ये नाउन बन गया, और इट्स ऑलवेज प्लूरल, इट्स ऑलवेज प्लूरल। थैंक्स स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा, अगले और इलेबोरेशन के लिए आप आगे वीडियो देखते रहें। थैंक्स।